नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महान और बुद्धिमान वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे। पर सबसे पहले आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ये एक ऐसे वैज्ञानिक है जो सबसे कम पढ़े लिखे हैं और केवल इन्होंने अपने हार्ड वर्क से इतनी बड़ी सक्सेस प्राप्त की। तो चलिए इनके बारे में और भी विस्तार से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब परिवार था। उस परिवार में एक गरीब आदमी था जिनका एक बेटा था और इस परिवार में पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि इनके घर की स्थिति कुछ ज्यादा ही ठीक नहीं थी। और इस आदमी के बेटे का नाम एंटोनी लिविंगहॉक था। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1632 में हुआ। इनके पिता टोकरी बनाने का काम करते थे और इसी की कमाई से घर का खर्चा चल पाता था। और जब लिविंगहॉक 5 साल के हुए तब इनके पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु के बाद इनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता और फिर यह सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा ही प्राप्त कर पाए थे। फिर 16 साल की उम्र में उन्होंने एक कपड़े की दुकान में काम करना शुरू किया। फिर 21 साल की उम्र में वापस वे अपने घर आ गए। फिर उन्होंने अपना खुद का कपड़ों का बिजनेस शुरू किया और डच सिटी में कपड़ों की अच्छाई को परखा जाता था। शुरू में यह बिजनेस काफी हद तक नहीं चल सका। फिर कपड़ों के बिजनेस मैन इनके पास आने लगे पर लिविंगहॉक कुछ और करना चाहते थे और फिर वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय हर तरह लेंस बनाने में बिताने लगे। उस समय अच्छे लेंसों का प्रयोग वही लोग करते थे जिन्हें कम दिखाई देता था, लेकिन लिविंगहॉक चाहते थे कि वे अच्छे से अच्छा लेंस बना पाएं और उन्होंने किताबों से लाइट वेव रिफ्लेक्शन इन सब के बारे में कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन वो अपनी मेहनत और लगन से बहुत कुछ जान चुके थे और वो अपना पूरा दिन कपड़ों की दुकान पर काम करते थे पैसों के लिए और रात में ग्लास के टुकड़ों को घिसने में निकाल देते थे और इसके फल स्वरूप उन्होंने बहुत सारे लेंस बनाए और ऐसे ही फिर एक के बाद एक अच्छे से अच्छा लेंस बनाने लगे और उन्होंने फिर लगभग 400 से ज्यादा मैग्नीफिक लेंस बनाए जिनमें से 25 डिफरेंट टाइंगल माइक्रोस्कोप बनाए जिनमें केवल 9 ही ऐसे थे जो सरवाइव कर पाए थे। कॉपर और सिल्वर के फ्रेम बने होते थे जिन्हें खुद लिविंगहॉक ने डिजाइन किया था और ये ऐसे लेंस थे जिनमें 2.75 टाइम मैग्निफिकेशन की क्षमता थी। और लिविंगहॉक के जन्म से पहले हॉलैंड के कुछ लेंस मेकर ने जिन्होंने लेंसों से एक माइक्रोस्कोप बनाया था, लेकिन उनकी तुलना में लिविंगहॉक का लेंस ज्यादा अच्छा था। लिविंगहॉक का लेंस किसी वरदान से कम नहीं था और यहीं से एक अच्छे माइक्रोस्कोप की खोज हुई और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा गया। और अब भी लिविंगहॉक रुके नहीं थे, उन्होंने अपने काम को जारी रखा। और लिविंगहॉक ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही समृद्ध वैज्ञानिक थे, लेकिन फिर भी उनमें अच्छे वैज्ञानिकों वाली सारी बातें विद्यमान थी और अपने इस पूरे डिस्कवरी सफर के बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। और उन्होंने अपने उसी लेंस की हेल्प से एक दुनिया देखी जिसमें छोटे छोटे जीव देखे जिन्हें एनिमल किल्स नाम दिया और इसी माइक्रोस्कोप स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। लिविंगहॉक अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप की सहायता से हर समय कई चीजों को देखा करते थे। दुकान पर कभी कपड़ों पर देखा करते थे तो अपने खाने में कभी देखा करते थे। और उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना चलो इससे पानी की बूंदों या फिर पानी को देखा जाए या फिर बारिश के पानी को देखा जाए। और पानी में जो देखा उसे देख वे आश्चर्यचकित रह गए। पानी में उन्होंने कुछ जीव देखे जिन्हें उन्होंने प्रोटोजोआंस नाम दिया और वो कुछ भी देखते थे तो उसका चित्र बना लिया करते थे। और फिर उन्होंने पूरी फाइल बनाकर 1674 में रॉयल सोसाइटी को एक लेटर लिखकर भेजा जिसके बाद वहां उनकी डिस्कवरीज को काफी महत्व दिया गया। रॉयल सोसाइटी द्वारा लिविंगहॉक को एक लेटर भेजा गया जिसमें लिखा था कि आप आगे जो भी डिस्कवरी करें इस बारे में हमें जरूर बताएं। और रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड के फेमस साइंटिस्ट्स का ग्रुप था जिन्होंने यह क्लब रॉयल सोसाइटी के नाम से बनाया। और उस ग्रुप में फेमस साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट हुक और सर आइजक न्यूटन भी काम करते थे। लिविंगहॉक ने अपनी डिस्कवरी को जारी रखा। फिर 1683 में उन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिजाइन किया और रॉयल सोसाइटी को भेजा। और फिर इनके रिसर्च को देखते हुए रॉबर्ट हुक ने लिविंगहॉक के दावों को और जानने के लिए एक माइक्रोस्कोप तैयार किया और फिर लिविंगहॉक की दी गई जानकारी पर काम करना शुरू किया। और फलस्वरूप
लिविन हॉक को उनकी डिस्कवरीज को महत्व देते हुए रॉयल सोसाइटी के ग्रुप में इन्हें शामिल कर लिया गया और लिविन हॉक की डिस्कवरीज के बेस पर इन्हें द मैन विद पावर टू सी इनविजिबल थिंग बोला गया, क्योंकि ये साइंस को खुद से सीखने वाले इंसान थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।